1987-88 की बात है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन काफ़ी जोर पे था, और मेरे जो मैं उस टाइम दुकान करता था और मेरे जो पड़ोस में था वो इस आंदोलन से जुड़ा था, महिपाल रोहिल्ला, उसके साथ ही अशोक वालिया था और कुछ लोग कार्यकर्ता थे, वो जुड़े थे, मेरे भी अच्छे मित्र थे वो, तो उनके साथ साथ जुड़ के मैं भी उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा आना जाना था उसमें, और कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी दे तो मैं कर भी देता था उसको। वो बार बार मुझे कह रहे थे अयोध्या चलना, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था उस टाइम, पहले भावनात्मक वो था। तो जब सुबह हुई तो ये सारा काम जो लाठी चार्ज हो रहा है ये अंधेरे में लिया सारा कुछ काम, तब तक मतलब प्रकाश नहीं आया था तो सूर्य निकला था तब तक, तो ये सारा कुछ पहले ही लिया था अंधेरे में ही बिल्कुल। और जब काफ़ी बड़ा पुल है वो, अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितना, 500 मीटर का है, 600 का है, 700 मीटर का है, मुझे इतना लग गया, पर काफ़ी बड़ा पुल है वो। तो जब हम उस पर रोक दिए, सुबह प्रकाश हो गया, तो हमारे मन में था कि सरयू के दर्शन करो, तो क्योंकि अब तो शायद आप ऐसा अनुभव नहीं करने के, लेकिन उस टाइम जो अनुभव था सरयू को देखने का वो अलग ही था। तो जैसे मैं चल रहा था तो सरयू पे मैं हाथ धर के बड़ा मैं भावुक था उस टाइम कि भाई अब यहाँ आए तो उसको दर्शन करें, तो उसी टाइम कोई पुलिस वाला आया, उसने मेरी कुड़ी पे यहाँ लट्टी भरी, वो मतलब रोज आना मुझे याद कराती रहती थी कि जब रात को सोते थे सर्दी लगती थी वो पूरी अकड़ जाती, तो एक मेरे भी लगी थी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कहीं कहीं लगी, 20-20, 30-30, 50-50 भी लगी, कुछ लोगों को भी कह रहे हैं कि लाठी लगी थी। तो फिर उसके बाद जो बाड़मे वाला था, बाड़मे वाले में मैं गया था और मैं वहीं था, और जिन लोगों ने जो आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ रखा, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो जो लोग वहाँ ढांचे के ऊपर चढ़े थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे मैं आंकड़ा, मेरे से 5 फुट की दूरी भी थे, मतलब सब लोग खड़े थे वो बीच में खड़े थे, अब एग्जैक्ट तो मेरे संख्या याद नहीं, 10 थे या 12 थे लोग मेरे सामने वो खड़े थे, और हम वहीं बिल्कुल के साथ खड़े थे, मेरे सामने ही उन्हें हमने देखा कि उनको तिलक किया गया और सारा कुछ उस हमने अपने आंखों से होते देखा। हालांकि उस टाइम जो बड़ी लीडरशिप थी वो कह रही थी कि भाई किसी ने भी कुछ भी कानून का उल्लंघन नहीं करना, हम प्रतीकात्मक कार्य सेवा करें, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो उस सारे भाषण के चलते उसी टाइम वो लड़के वहाँ से दौड़ दिए, और वो इतने ट्रेंड थे लड़के कि वो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी लगे नहीं है उनको कि वहाँ से दौड़ के वो तारों के ऊपर से भी निकल गए, आगे सारे बैरियर तोड़ते वो 10 मिनट में उसके गुंबद तक पहुँच गए थे, और उसके बाद तो फिर सारी व्यवस्था फैल गई, सारे के सारे लोग तोड़ तोड़ के अंदर चले गए, और 2 गुंबद तोड़ दिए थे उसके, उसका जो 3रा गुंबद था उसको काफ़ी टाइम लगा तोड़ने में, तो मैं समझता हूँ उसके बाद जनता चली गई, वो टूटा नहीं ऊपर से, लोगों ने नीचे से उसकी ईंटें निकाल दी ऐसे से, मतलब एक एक व्यक्ति ने कोशिश की, एक ईंट निकली किसी, 2 निकली तोड़ दिया, और वो गुंबद ऊपर से नीचे गिरा, और जब वो गुंबद गिरा तो काफ़ी लोगों को उससे चोट भी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।